हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शकरकंद को 5 तरीके से उबालने की रेसिपी बताएंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग इसे अधिक पानी में उबाल देते हैं जिससे इसका मिठास कम हो जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि इसका मिठास कम नहीं होगा। फ्रेंड्स, शकरकंद को सर्दियों में खाना चाहिए और ये बहुत ही फायदेमंद भी होता है। फ्रेंड्स, इसमें विटामिन्स भी पाए जाते हैं और ये बाल और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, इसे बच्चों को और अधिक उम्र के लोगों को जरूर खाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम पकाने का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर की जगह हम भगोना या कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम इस प्रकार का कोई भी स्टैंड रखेंगे। स्टैंड रखने के बाद इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और उसमें 1 साइज का हम शकरकंद रखेंगे। फ्रेंड, इस शकरकंद को हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं और यूपी बिहार में इसे कॉर्न और गंजी भी कहा जाता है। इसे रखने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। इसे अब हम गैस पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम 1 से 2 विसल आने देंगे तो हमारा ये शकरकंद बढ़िया से पक जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम फिर कुकर को लेंगे और उसमें हम इस प्रकार का कोई कटोरी रखेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप पानी हम कटोरी में डालेंगे और 1 कप पानी साइड में डालेंगे और फिर हम इस तरह का कोई भी प्लेट लेंगे और इसके अंदर रखेंगे और उसके ऊपर हम शकरकंद को रखेंगे और इसे रखने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 विसल आने देंगे। 3 विसल आ जाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर हम अपने से निकलने के बाद ही शकरकंद को निकालेंगे। थर्ड स्टेप में हम सबसे पहले एक कुकर लेंगे और उस कुकर को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे। कुकिंग ऑयल के जगह आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। यदि आप इसे व्रत के लिए तैयार कर रहे हैं तो देसी घी यूज कीजिएगा। अब इसमें हम शकरकंद को रखेंगे। हम 1 साइज का ही शकरकंद लेंगे। यदि आप मोटा बड़ा शकरकंद ले रहे हैं तो इसे आप बीच से कट कर लीजिएगा और इसका कई पीस कर लीजिएगा, तभी इसमें डाल के बॉयल कीजिएगा। अगर आपके घर इस तरह का कोई कॉटन का कपड़ा हो तो उसे लीजिएगा और पानी में भिगो दीजिएगा और इसमें से पानी को अच्छे से निचोड़ दीजिएगा और निचोड़ने के बाद इसे इसके ऊपर रखिएगा। रखने के बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे। इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखने के बाद स्लो फ्लेम करके 1 से 2 विसल आने देंगे और कुकर का प्रेशर अपने से निकलने के बाद ही इसे हम खोलेंगे। अब फोर्थ स्टेप में हम कुकर लेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे और इसमें 5 से 6 स्पून पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम शकरकंद को बराबर से रखेंगे और शकरकंद के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ऑयल के जगह आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं और फिर कुकर का ढक्कन लगा के इसे हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर इसे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देंगे। अब लास्ट एंड 5th स्टेप में हम
कुकर लेंगे और उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद इसमें हम दो चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से इसके नीचे तली में फैला देंगे। हम अच्छे से छिलेंगे। इसे छिलने के बाद फिर से हम एक बार धुल लेंगे। वैसे तो फ्रेंड हमने इसे छिलने से पहले धुला था और अब इसके छोटे छोटे कई पीसेस कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम कुकर में रखेंगे और अब इसमें हम एक से दो चम्मच पानी ऐड करेंगे और अब इसके ढक्कन को हम बंद करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकने के बाद स्लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट पकने देंगे। फ्रेंड्स, जब कुकर में से थोड़ा थोड़ा सीटी का आवाज आने लगेगा तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे हम 8 से 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है, इसमें इस प्रकार प्रेशर आ रहा है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर अपने से निकलने देंगे और गैस के दूसरे तरफ हम ये कपड़े वाले तरीके से भी शकरकंद को उबाल रहे हैं और इसे भी हमने जैसे बताया वैसे पका रहे हैं। 2 मिनट बाद इसका भी फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसे भी हम स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पकने देंगे। इसे पकते 10 से 15 मिनट हो गया है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर अपने से निकलने देंगे। कुकर का प्रेशर अपने से निकल गया है, अब हम कुकर को खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें शकरकंद अच्छे से पक गया है। इसे हम कुकर से निकाल लेंगे। शकरकंद अच्छे से पक गया है, इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितना बढ़िया से पक गया है, इसे खाना भी इजी है। इसके छिलके को उतारने का हमें टेंशन नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर इसे हम बच्चों को दें तो बच्चे इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। कुकर का प्रेशर निकलने के बाद हम इस कुकर को भी खोलेंगे। हम इसके कपड़े को निकाल देंगे। ये शकरकंद अच्छे से बॉयल हो गया है। फ्रेंड्स, इसे भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया से पक गया है। इसे हम आसानी से छिल भी सकते हैं। इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, ये इजीली छिल गया है। इस वीडियो में हमने आपको शकरकंद को 5 तरीके से पकाने का आसान तरीका बताया है, जिससे इसका मिठास खत्म नहीं होगा और शकरकंद स्वादिष्ट भी लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये शकरकंद पकाने की रेसिपी पसंद आया तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल मिनी स्वीट डिशेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।